एवरीवन, एक बार फिर से हम लोग जा रहे हैं गैंगटॉक साइट सीइंग पे। क्या नाम है आपका? रुकमन राय जी हैं जो हमें घुमाएंगे। और शाम के 3:15 हो रहे हैं, ट्रैफिक काफ़ी, चलिए आगे चलते हैं। गैंगटॉक शहर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गणेश टॉक मंदिर हमारी पहली व्यू पॉइंट है। इस छोटे से सफ़र में सड़क किनारे स्थित रंग बिरंगी पताकाएँ, झंडियाँ काफ़ी मनमोहक और मनोरम लगती हैं। और दोबारा से हम पहुँच चुके हैं गणेश टॉक। आज तो पिछली बार से भी ज़्यादा शांति है यहाँ। चलिए चलते हैं ऊपर, और धूप अच्छी है शायद नीचे देखने को मिले। ओह ओह, सजा हुआ है गणेश चतुर्थी होने के वजह से। जय जय जय। और ये रहा बंदा, आ जाओ। काफी अच्छा दिखता है, जूता चप्पल खोल के इसको हम लोग रखते हैं अपने जूते यहाँ, और हाथ धो के चले ऊपर। ऊपर आ जाओ, सितंबर अक्टूबर के मौसम में आपको भीड़ बाकी दिनों की अपेक्षा थोड़ा कम दिखाई देती है। गणेश टॉक मंदिर का निर्माण कार्य सन 1952-53 में हुआ था, और यह मंदिर इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से गैंगटॉक शहर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है, और साथ ही साथ कंचनजंगा पर्वत के जो नज़ारे हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई देते हैं। इस पर तो काफ़ी अच्छी सजावट। झंडियाँ लग जाने से और भी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ भी काफ़ी अच्छा सजाया गया है। भोलेनाथ के पास, और इधर देखिए हवन हुआ है शायद, तो अग्निकुंड में अभी भी धुआं है। इस तरफ सामने का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। इस बार पिछले बार से भी अच्छा सजा हुआ गणेश चतुर्थी के कारण। चलते हैं उस तरफ ऊपर। वाह, ये सामने दिख रहा है टीवी टावर, लास्ट टाइम नहीं दिखा। इस बार काफ़ी बेहतरीन लगा ये जगह, लेकिन कम टाइम हमें यहाँ दे पा रहे हैं कहीं और, किसी और साइट पे जाने के लिए। ये चलते हैं वहाँ। और